नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8 विषय हिंदी दूसरे सत्र में हम आपकी पाठ्य पुस्तक के तमाम चैप्टर पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों। और अब हमने ग्रामर में शुरुआत की है पत्र लेखन की, मानी पत्र के बारे में समझने की, किस प्रकार के पत्र होते हैं और उन पत्रों में क्या लिखा जाता है। तो इसके पहले के वीडियो में विद्यार्थियों हम सीख चुके हैं कार्यालयी पत्र के बारे में, कि किसी कार्यालय में पत्र लिखना हो किसी समस्या के बारे में तो कैसे लिखा जाता है। इसके पहले के वीडियो में विद्यार्थियों हम पढ़ चुके हैं कि स्वास्थ्य अधिकारी को यदि कोई फरियाद करनी हो, कोई शिकायत करनी हो, तो ऐसे शिकायती पत्र किस प्रकार लिखे जाने चाहिए, उसमें क्या क्या लिखना चाहिए और उसको लिखने का कैसी, उसकी रूपरेखा कैसी होती है। तो यहाँ पर भी विद्यार्थियों हम आज सीखने वाले हैं मुख्य अध्यापक को पत्र। यह एक प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र माने कि विद्यार्थियों किसी को किसी की बात के लिए रिक्वेस्ट करना। तो यहाँ पर यह एक प्रार्थना पत्र, रिक्वेस्ट लेटर है। किसको प्रार्थना करनी है, तो मुख्याध्यापक को पत्र लिख के प्रार्थना करनी है किसी के वस्तु के बारे में। अब मुख्याध्यापक है माने कि यह किसी विद्यालय के मुख्याध्यापक या प्रधानाचार्य प्रिंसिपाल को हमें पत्र लिखना है। तो इस प्रकार के पत्रों में विद्यार्थियों इनकी रूपरेखा कैसी होती है, किस तरह पते लिखे जाते हैं, इनका समापन और विषय क्या लिखना चाहिए, यह यहाँ पर बोर्ड पर उसके मैंने छोटी सी रूपरेखा लिखी है विद्यार्थियों। देखिए अब विद्यार्थियों यह जो मैंने पूरे पत्र की रूपरेखा बनाई है, यह आपको अपनी नोटबुक में ऐसे ड्रॉ करके नहीं लिखना है। आपको इसके बाद वीडियो जब आपको मिल जाएगा तब उसके साथ ही विद्यार्थियों एक पीडीएफ फाइल आपको भेजी जाएगी जिसमें यह पूरा का पूरा पत्र लिखा है विस्तार से कि आपको किस तरह से यह पत्र लिखना चाहिए। तो वह पीडीएफ में जो पत्र मिलेगा वहीं आपको लिखना है। यहाँ पर जो मैंने रूपरेखा विद्यार्थियों बनाई है वो आपको अपनी नोटबुक में नहीं लिखनी है। यह रूपरेखा सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बोर्ड पर लिखी हुई है विद्यार्थियों। तो इसे आप अपनी नोटबुक में ऐसे ड्रॉ करके ना लिखें। यह सिर्फ समझने के लिए मैंने यहाँ पर पूरे पत्र की रूपरेखा बनाई हुई है। आपको नोटबुक में वही लिखना है जो पीडीएफ में पूरा का पूरा पत्र लिखकर भेजा जाएगा। अब हम समझते हैं कि किसी विद्यालय के मुख्य अध्यापक को यदि हमें रिक्वेस्ट लेटर यानी कि प्रार्थना पत्र लिखना है तो उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसके पते किस प्रकार लिखे जाएंगे, क्या विषय होगा, संबोधन कैसा करना है और समापन में क्या लिखना है। तो यह पांच चीज़ें हैं वो पत्र लेखन में आवश्यक होती हैं। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर जब भी कोई पत्र लिखा जाता है तो उसमें सबसे पहले इस ओर पत्र लिखने वाले का पता, यानी कि जो पत्र लिख रहा है उस व्यक्ति का पता हम इस ओर लिखा जाएगा। माने कि यह उसकी मैंने एक रूपरेखा बनाई है, यहाँ पर उसका पता लिखा जाएगा। उसके बाद विद्यार्थियों दूसरे पत्र की बात आती है कि यहाँ पर यदि ऑफिशियल लेटर लिखा जाता है तो अपने पते के साथ ही जिसे भेजा जाता है उस स्थान और उस व्यक्ति का पता भी लिखना चाहिए। यहाँ पर हम विद्यालय के मुख्याध्यापक यानी कि प्रधानाचार्य प्रिंसिपाल को पत्र लिख रहे हैं, तो हमारे पते के साथ साथ उसका एड्रेस और पता भी यहाँ पर लिखा जाएगा। मानी जिसे भेजना है पत्र उसका पता यहाँ पर इस ओर लिखा जाएगा। उसके बाद विद्यार्थियों आता है विषय। पत्र में लिखी जाने वाली आवश्यक तीसरी चीज यानी कि विषय। अब दोनों पते लिखने के बाद बीच में ऐसे विषय ऐसा लिखकर आगे उसमें हमें जो भी पत्र में लिखना है उसका विषय यहाँ पर हेडिंग के रूप में लिखना पड़ेगा, यहाँ पर उसका शीर्षक लिखना पड़ेगा। तो हम किस बारे में पत्र लिखना चाहते हैं, तो मुख्य अध्यापक को पत्र लिखना है
पांचवी कक्षा में प्रवेश पाने के लिए यानी कि विद्यालय में किसी छात्र को पांचवी कक्षा में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए हम प्रार्थना पत्र रिक्वेस्ट लेटर प्रधानाचार्य मुख्य अध्यापक को भेज रहे हैं। तो वह विषय लिखकर यहाँ पर हमें लिखना है पांचवी कक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए। इतना लिखने के बाद अब आता है संबोधन, पत्र की चौथी आवश्यक चीज यानी कि संबोधन। विषय लिखने के बाद संबोधन क्या करना है, यदि हम मित्र सहेली अपने पिता चाचा ऐसे कोई संबंधियों या फ्रेंड्स को जब भी लिखते हैं तो हम पूज्य आदरणीय या तो फिर फ्रेंड्स होता है या अपने से कोई छोटा होता है तो हम प्रिय ऐसा संबोधन लिखते थे विद्यार्थियों। जबकि यहाँ पर किसे पत्र लिखना है, मुख्य अध्यापक किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य और आचार्य प्रिंसिपाल को हम यहाँ पर पत्र लिख रहे तो उसे हम प्रिय नहीं लिखेंगे तो उसका संबोधन क्या होगा विद्यार्थियों। तो यहाँ पर मुख्य अध्यापक को हम संबोधन कर सकते हैं माननीयवर महोदय, ऐसा करके हमें संबोधन लिखना है। यह हमारा सगा या संबंधी नहीं है ना कि हमारा फ्रेंड है तो यहाँ पर मुख्य प्राध्यापक व्यक्ति को हम माननीयवर महोदय करके यहाँ पर संबोधित करेंगे। अब इस बाबतों के बाद संबोधन करने के बाद आती है पत्र की मुख्य जानकारी, इसके बारे में हम पत्र लिखना है, पत्र की शुरुआत कैसे करनी है। तो यहाँ पर माननीयवर संबोधन करके माननीयवर महोदय ऐसा लिख के पैराग्राफ बना के फिर हमें आगे अपने पत्र के बारे में लिखना होता है और वह पूरी जानकारी के बाद अंत में आता है पत्र की आखिरी चीज समापन। सब लिखने के बाद यहाँ पर प्रार्थना पत्र है, हम किसी को प्रार्थना कर रहे हैं तो हम क्या हुए, प्रार्थी हुए। तो अब वह लास्ट में लिखेगा समापन माने कि पूरा करना। अब पत्र समाप्ति के पहले वह एक वाक्य लिखेगा कि आपको कष्ट देने के लिए मुझे क्षमा करें। अब यहाँ पर क्षमा प्रार्थी या तो आपका प्रार्थी ऐसा करके वह अपना नाम अंत में लिखेगा। इस तरह से समापन यहाँ पर किया जाएगा। तो यह थी पूरी रूपरेखा विद्यार्थियों। अब इस पत्र को मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें लिखना क्या है। सबसे पहले पहला पता माने कि पत्र लिखने वाले का पता 99 जवाहर नगर बड़ौदा 30 अप्रैल 2005। यहाँ पर लिखने वाले पते में क्या होता है, सर्वप्रथम वह अपना एड्रेस लिखेगा और जिस दिन पत्र लिखा जाता है उसकी दिनांक लिखेगा। उसके बाद दूसरे पत्र की बारी आती है जिसको भेजना है उसका पता। अब यहाँ पर विद्यालय है तो यहाँ पर लिखना है सेवा में। यदि हम किसी विद्यालय या किसी कार्यालय या किसी ऐसे ऑफिशियल जगहों पर पत्र लगते हैं विद्यार्थियों तो यहाँ पर हमें सर्वप्रथम क्या लिखना होता है, सेवा में। फिर उसके बाद उसका एड्रेस लिखना होता है माननीय मुख्याध्यापक श्री, यहाँ पर विद्यालय के प्रिंसिपल को संबोधित करके लिखना है। उसके बाद उसकी स्कूल का नाम लिखना है सरस्वती विद्यालय बड़ौदा। और उसके बाद आता है विषय, किस विषय में हमें पत्र लिखना है तो पांचवी कक्षा में प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्र। उसके बाद आता है संबोधन, आचार्य है तो उसको संबोधन क्या करना होगा, माननीयवर महोदय ऐसा लिखकर फिर वह पत्र में अपनी बात रखेगा। मैं सरस्वती विद्यालय का भूतपूर्व छात्र हूँ, भूतपूर्व मानी आगे उसी विद्यालय में पढ़ाई करने वाला छात्र जो आगे पढ़ाई कर चुका है। मैंने सन 1997 में इस विद्यालय से SSC की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। लिखने वाला व्यक्ति लिखता है कि उसी विद्यालय से उसने सन 1997 में विद्यालय से SSC की परीक्षा मानी कक्षा 10 वहां से पास की थी। मैं चाहता हूं कि मेरा छोटा भाई अनिल भी आपके ही विद्यालय में पढ़ाई करे। अब वह चाहता है कि उसी के
तो राही उसका भाई भी उसी विद्यालय से पढ़ाई करे। अभी वह एक अच्छे प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहा है। इस वर्ष की चौथी कक्षा की परीक्षा में वह प्रथम रहा है। अपने भाई के बारे में उसे एडमिशन के लिए वह बात कर रहा है तो वह बताता है कि मैं भी इसी विद्यालय का छात्र रह चुका हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई जो एक प्राथमिक स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ रहा है वह भी आपके विद्यालय में पढ़ाई करे और उसकी चौथी कक्षा की परीक्षा में वह प्रथम रहा है। उसका भाई है वह अपनी चौथी कक्षा में भी प्रथम नंबर से पास हुआ है यह बता रहा है। उसके 85% अंक प्राप्त हुए हैं। अब उसके 85 मार्क्स मिले हैं। इस पत्र के साथ ही उसकी परीक्षा फल की प्रमाणित प्रतिलिपि भेज रहा हूँ। अब परीक्षा फल माने कि उसका रिजल्ट, उसकी मार्कशीट और उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि माने विद्यार्थियों जेरोक्स। अब वह कह रहा है कि चौथी कक्षा में जो उसके भाई ने अंक प्राप्त किए हैं उसकी मार्कशीट की वह जेरोक्स साथ में भेज रहा है। आशा है आप उसे अपने यहीं 5वीं कक्षा में प्रवेश देने की कृपा करेंगे। अब वह प्रार्थना करता है अंत में कि मैं आशा रखता हूँ कि आप अपने विद्यालय में 5वीं कक्षा में उसे प्रवेश मानी एडमिशन देने की कृपा करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह आपके विद्यालय का एक तेजस्वी एवं आज्ञाकारी छात्र बनेगा। अपने भाई के बारे में आश्वासन देते हुए वह अंत में लिखता है कि आपके विद्यालय का वह आज्ञाकारी और तेजस्वी छात्र बनेगा। अंत में समापन वाक्य वह लिखता है कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और अंत में वह अपना नाम लिखता है प्रार्थी सुरेश पटेल। तो विद्यार्थियों हमने देखा कि इस तरह से किसी विद्यालय में एडमिशन प्राप्त करने के लिए हमें किस बाबतों का ध्यान रखना पड़ता है और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर लिखनी पड़ती है। तो विद्यार्थियों यह पत्र के बारे में हम देख लिए और यह जो पत्र हमने समझाया हुआ है वह आपको PDF के द्वारा मिल जाएगा और उसी को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। यहाँ पर जो मैंने लिखा है वह सिर्फ पत्र की रूपरेखा है, इसको आपको ड्रॉ करके अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है। जो PDF में पूरा का पूरा पत्र लिखा हुआ होगा उसी को आपको पत्र में आपको उसी पत्र को अपनी नोट में लिखना है। अब इसके बाद हम कहानी लेखन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ कहानियों के बारे में भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।